और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कूच पर नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान पहुंचे हैं और किसानों ने संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। विरोध मार्च के चलते नोएडा में धारा 144 लागू की गई। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। नोएडा ग्रेटर नोएडा दिल्ली में कई रूट को डायवर्ट किया गया है। तो विरोध मार्च के चलते नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है और दिल्ली में कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी रूट को डायवर्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबा जाम भी लग गया है। संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से और विरोध मार्च के चलते पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किसानों की तरफ से ट्रैक्टर कूच के चलते ये लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली कूच पर किसान संसद घेरने का ये बड़ा ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से और इसके चलते आप देख रहे हैं कि जगह जगह ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं हमारे सहयोगी नोएडा से वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी यूसुफ खान भी लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, सबसे पहले ये बताइए, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसान पूज कर रहे हैं, इसके चलते ट्रैफिक की भी समस्या सामने आ रही है। देखिए अंजलि, पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाऊंगा कि आखिर किस तरीके के हालात हैं। लगातार दो महीने से यहां पर एनटीपीसी के दफ्तर के बाहर किसान मौजूद हैं। मामला 40 साल पुराना है, इसलिए इनका ये कहना है कि जो मुआवजा इनको दिया गया था वो बेहद कम है और फिर से मुआवजे की रकम को विचार करके इनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सरकारी नौकरी का वायदा किया गया था वो भी दी जाए। अब आप देखेंगे हाथों में तख्ती लिए हुए तमाम यहाँ पर किसान आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको पुलिस बल नजर आ रहा होगा। किसानों को रोकने की कवायद लगातार की जा रही है। सुबह जो अथॉरिटी में किसान थे वहां पर उनको वहां से हटा दिया गया था, लेकिन अभी एनटीपीसी के बाहर जो किसान हैं उनको भी हटाने की कवायद लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी के हालात क्या है, क्या दिल्ली मूव कर रहे हैं आप? दिल्ली मूव कर रहे हैं जी। मुद्दे क्या क्या है आप लोगों के? बेरोजगार और समान मुआवजा, ये है एनटीपीसी से। और क्या है बताओ? करीब कितने साल पुराना मामला है, क्या आखिर वजह रही कि आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ा? 35 साल पुराना मामला है। आज तक किसानों को निराश ना सकल हो, किसी ने कुछ नहीं किया। एमएलए वो हराम, एमपी वो हराम, साहब क्या कोई कुछ करने को तैयार? अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके अलावा आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यहां से मूव किया जाए? पुलिस तो रोक रही है, उधर सेक्टर 6 से भी लोगों को हटाया गया। कोशिश करेंगे जाने की, जाएंगे और सजाएंगे, बोझ नहीं रहे, जाएंगे। क्या बातचीत प्रशासन से अब तक आपकी हुई है? बात हुई है एसडीएम लेवल तक, मतलब कमेटी गठित हुई है, सारा किसान एक पक्ष में दिया है, फिर भी नहीं मान रही। डीएम साहब ने भी दिया है कि भाई इनका वाजिब है, इनका मतलब जायज मांग है और ये सही मांग रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रही है एनटीपीसी वाले लोग जो है, उसके बाद भी नहीं मान रहे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हाथों में तख्ती लेकर ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, लिखा है नोएडा में रहना होगा, किसानों का हक देना होगा, उसके अलावा मैं भी खलीफा, सामने लिखा हुआ है समान रोजगार समान हक की बात कर रहे हैं। चाचा, ये जो तख्ती लेकर आप बैठे हैं कि नोएडा में रहना होगा, हक देना होगा, ऐसे कौन से हक की लड़ाई है जो लगातार आप लोग लड़ रहे हैं? हमारी मुआवजे की, नौकरी की, बिजली की, अस्पताल की और जी खेल मैदान की। साथ में महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। डबल इंजन क्या धोखा है, सुन लो किसान की, सुन लो अब भी मौका है। क्या क्या डिमांड है तमाम महिलाएं आप लोग यहां पर रुकी हुई हैं पिछले 2-3 महीने से? चाहिए हमें अपना रोजगार, चाहिए हक, चाहिए हमें मुआवजा चाहिए, रोजगार चाहिए भैया। कितना मुआवजा मिला था पहले कितना मुआवजा? याद नहीं है जी। अच्छा, हमारे घने हमसे घने पहले की बात, हम सड़कन पे पड़े, शर्म नहीं आती है, जगह मरे हैं, कपड़ा भी नहीं है, है भूखे पैसे पड़े सड़कन पे, है दूसरा महीने लग गो है किसान। अम्मा क्या रोजगार मिल पाया किसी को? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। हाँ ना मिलो, बिल्कुल ना मिलो, नहीं मिला ना। ये क्या मतलब है? सुखबीर खलीफा जिंदाबाद, खलीफा जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है पूरी, किसानों का हक ये नहीं दे रहे हैं। अब बस में जबरदस्ती ले जा रहे हैं, पैदल भी नहीं जाने दे रहे, हमारे ट्रैक्टर में पिंचर कर दिया है, निकल जाने नहीं दे रहे, आगे बैरिंग लगा रखे हैं,
डंडे बजा रहे हैं आगे जबरदस्त। ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है समंजली। ये अमूमन रास्ता सीधे तौर पे सेक्टर 18 की तरफ जाता है, लेकिन इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा नोएडा के करीब 15 से ज्यादा ऐसे बड़े रास्ते जो दिल्ली की तरफ मूव होते हैं, चाहे चिल्ला की बात करें या फिर सेक्टर 11 की बात करें या फिर नोएडा एक्सटेंशन होते हुए दिल्ली से बाहर सेक्टर 62 की बात करें, ये तमाम वो रास्ते हैं जहां पर फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन ये वो जगह है जहां से इनका कहना है कि अब से थोड़ी देर में ये लोग दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास करें। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। महामहा फ्लाईओवर के नीचे हमारे दूसरे सहयोगी यूसुफ खान भी जुड़े। यूसुफ, तस्वीरें लगातार अभी वरुण ने भी दिखाया, सबसे बड़ी बात यह लंबा इंतजार, कई बार वादे किए गए लेकिन उन वादों पर अब तक कुछ नहीं हुआ। अब किसान आक्रोश में है, हालांकि हर रूट को डायवर्ट कर दिया गया है, रूट बंद कर दिया गया है, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आज जी बिल्कुल, मैं इस समय महामाया पे हूँ जहाँ पर किसानों ने ऐलान किया था कि जो महामाया सब लोग पहुँचेंगे, और क्योंकि इनका जो प्लान था कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और काफ़ी तादाद में किसान जो है यहाँ पर पैदल और जो दूसरे रास्ते हैं वहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी जो मांग है वो अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, वो इनकी बातों को नहीं सुन पा रही थी, तो इसीलिए इन किसानों ने ये दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप पूनम पंडित हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये बताइए कि आप यहाँ समर्थन में पहुंची हैं, क्या किसानों के बीच में बातचीत हुई, क्या आप दिल्ली जाने का प्लान है? देखिए, आज जो ये लोग बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे, काफी दिन से हमारा धरना चल रहा है किसानों का, 5% वाला धरना चल रहा है, 64% लोगों को ये मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। जमीन तो और लोगों ने भी दी है ना, और लोगों की जमीन उतनी है। अब आप इनका रवैया देखिए, किसान के कितने प्लॉट इन्होंने मार रखे हैं, दवा रखे हैं, 64% वालों को देने की बात कर रहे हैं और इन लोगों ने नहीं दे रखा। इसका मतलब ये 60-80 कर रहे हैं, 5% को 10% की मांग है जो हमारी जायज है। भूमि अधिग्रहण बिल जब आया था, पास हुआ था 2013 में, तो तब पूरे देश के किसानों के लिए लागू हुआ था। आज ये नई चीज नहीं हो रही, तो इसी चीज का ये लोग आकर के आप देख रहे हैं, जाम भी ये लोग लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जाम लगा रहा है, नाम लगा रहा है हमारा। हम जाम भी लगाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे, जब दिखाओगे ना, अभी आप झूठ झूठ फैला रहे, आप देखिए पूरी पुलिस ने जाम लगाया हुआ, रोका हुआ है और बता रहे हमें। यहाँ पे एक और बुजुर्ग महिला है जिनकी जमीन गई थी, ये सरफाबाद से आई है। लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और यहाँ लंबा जाम और भारी संख्या में किसान एकजुट हो रखे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वरुण, आपका भी शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के